हेलो एवरीवन, मैं दिनाथ प्रसाद आप सबों को यूट्यूब चैनल यूएससी पाकी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटी सी प्यारी सी कविता डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं और वो जितनी भी कविता लिखते हैं वो सभी के सभी रियलिटी ऑफ लाइफ पर डिपेंड करती है, यानी जीवन की वास्तविकता पर डिपेंड करती है, क्योंकि वे एक रियलिस्टिक पोएट हैं यानी यथार्थवादी हैं। लाइफ में जितने भी, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या खराब हों, या हैप्पीनेस हो या सोरो हो या सफरिंग हो या जॉय हो, किसी भी तरह का हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो अपने कविता में अक्सर लिखा करते हैं। चलिए तो हम लोग जानेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ के बारे में है और कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप लोगों ने भी बहुत सारे बातें सुने होंगे कि अगर कोई बिल्ली आपके रास्ते से गुजर जाती है तो आप कहते हैं कि बिल्ली आपका रास्ता काट दिया, तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा या आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो काम पूरा नहीं होगा। माना कि आप कहीं जा रहे हो और बिल्ली जो है आपके रास्ते से गुजर गई, तो आपको लगा कि भाई बिल्ली जो है मेरा तो रास्ता काट दिया, अब तो मेरा दिन अशुभ हो गया। तो भैया बिल्ली को थोड़ी ही ना मालूम था कि उसके जाने से आपका रास्ता कट जाएगा या आपका पूरा दिन ही अशुभ हो जाएगा। अरे भाई, बिल्ली को जहाँ जाना था वहाँ तो जाएगी। तो इसमें केवल लोगों का भ्रम है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारे बेडोमेंट्स हैं यानी अंधविश्वास हैं, जैसे कि क्रो यानी कावा को लोग अशुभ मानते हैं, यानी प्रतीक है अशुभ की, क्योंकि कावा एक सिंबल है यानी प्रतीक है ग्लूम डार्कनेस और डेथ की यानी मृत्यु की। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज भी समाज में इन बेड्स ओमेंस को यानी अंधविश्वास को, बुरी कुर्तियों को आज भी लोग मानते हैं और ये बिल्कुल गलत है। वो कैसे, आइए हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझेंगे तो पता चलेगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले पोएम की टाइटल को समझते हैं। इसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की कण का गिरना। यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल और कण नहीं है, बल्कि यहाँ पर डस्ट का मतलब किसी चीज़ का गिरना या फॉलिंग होना होगा। यहाँ पर कवि दो चीज़ का जिक्र करते हैं, पहला है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर दोनों के दोनों वर्ड सिंबल हैं यानी प्रतीक हैं उदासी का, बुराई का यानी ग्लूमी, डेथ एंड डार्कनेस एंड फियर यानी बुरी चीज़ों का। हम लोग को यहाँ क्रो को शुभ नहीं माना जाता है। उसी प्रकार हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़, जो बहुत ही जहरीला होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है। चलिए तो इस कविता का शुरुआत करते हैं। द वी ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इसमें कवि कहते हैं कि मैं हेमलॉक ट्री के नीचे सुबह में उदास बैठा हुआ था, एकदम पूरी तरह से मेरा मूड खराब था। तभी एक क्रो यानी कावा उस हेमलॉक ट्री पर आता है और अपने हलचल से डालियों पर जमे ओस के कण यानी बर्फ के कण को वो हिलाकर मेरे ऊपर गिरा देता है। उसके बाद कवि सेकेंड स्टैंजा में कहते हैं हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। कवि दूसरा पद में कहते हैं कि जैसे ही बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा तैसे ही तुरंत ही मेरा मूड चेंज हो गया, यानी पहले से उनका मूड खराब था, यानी पहले से वो उदास थे और अब उनका मूड चेंज हो गया है और उन्हें अच्छा लगने लगा है। और वो कहते हैं कि इस तरह से जो मेरा पूरा दिन था वो मुझे ऐसा लगता था कि वो बर्बाद हो चुका है और सारा दिन जो मुझे लगता था कि वेस्ट हो चुका है उस कावे के कारण, और इसके आगे बचा हुआ दिन खराब होने से बच गया।
सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि कहते हैं कि मेरा जो मूड जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड जो है वो है र्यूट। र्यूट का मतलब होता है खराब हो जाना, सारा दिन खराब हो जाना या उदास हो जाना। ठीक है, तो हम लोगों ने इस कविता से ये बात सीखा कि जितने भी बेड ओमेंस यानी अंधविश्वास है, बुरी कृतियां हैं, जो सब मानव के द्वारा बनाई गई केवल बातें हैं जिस पर कुछ मानव विश्वास करते हैं। जब हम लोग लाइफ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो शायद कभी कभी हमारी अनुमान इन सभी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट निकलता है, जिस प्रकार इस कविता में जिक्र किया गया है। यानी कभी कभी खराब या बुरी चीज़ें भी हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। तो चलिए तो हम लोग इस अस्तंजा का राइम्स स्कीम देखते हैं। तो राइम्स स्कीम निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका राइम्स वर्ड देखेंगे। राइम्स वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन में एक दूसरे का मैच खाते हों उसे हम प्रोनाउंस वर्ड कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं कौन कौन प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से मैच खाता है। जैसे क्रो और स्नो, ये दोनों वर्ड मैच खा रहे हैं, तो इसको हम लेते हैं ए और इसको भी लेते हैं ए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ मी और ट्री यानी दोनों मैच खा रहे हैं, तो इसको हम लेते हैं बी और इसको भी लेते हैं बी। तो अब इन चारों का राइम्स स्कीम पूछा जाएगा तो क्या बनेगा, ए बी ए बी, ये बन गया राइम्स स्कीम। ठीक है, उसी प्रकार स्टंजा टू को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हर्ट एंड पार्ट, ये दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं, तो इसका हम ले लेते हैं ए भी तो ले लिया है, तो उसके बाद हम लेते हैं सी, इसको भी सी लेंगे। उसके बाद मूड और रूट, तो दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए इसको हम लेंगे डी लेते हैं। अब इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, सी डी सी डी सी डी सी डी। अब यदि पूरे पोएम का राइम्स स्कीम पूछता है तो हम लिखेंगे इस प्रकार ए बी हो गया, उसके बाद सी डी हो गया, ये आपका राइम्स स्कीम हो गया।